प्रभास की कल की AD 2898 की राह अब नहीं होगी आसान, क्योंकि इस बड़ी फिल्म के साथ होगा महाक्लैश। इस बार फिर प्रभास को बॉक्स ऑफिस पर टिके रहने के लिए एड़ी चोटी की जोर लगानी होगी। ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाने होंगे जिससे कि दर्शकों को थिएटर्स में अट्रैक्ट किया जा सके और ये फिल्म झाम फाड़ कमाई के साथ बम्पर हिट बन सके। लेकिन सवाल ये उठता है कि प्रभास की गलती से किस फिल्म को क्लैश होने वाला है जिससे कल्कि को इतना बड़ा खतरा है। दरअसल दिसंबर में रिलीज हुई प्रभास की फिल्म सलार ने तो बॉक्स ऑफिस पर गर्दा मचाया था। शाहरुख की फिल्म डंकी के साथ क्लैश करने के बावजूद भी फिल्म का सक्सेस रेट बढ़िया रहा, लेकिन तब तो प्रभास की किस्मत अच्छी निकली। मगर प्रभास के लिए बॉक्स ऑफिस की जंग एक बार फिर जबरदस्त होने जा रही है। उनकी अपकमिंग फिल्म को फिर से सोलो रिलीज मिलना मुश्किल सा लग रहा है। इस बार उनका क्लैश एक बड़ी हॉलीवुड फिल्म से होने जा रहा है और देखना यह होगा कि जंग में प्रभास की जीत होती है या फिर हॉलीवुड की फिल्म बाजी मार ले जाती है। बता दें कि सलार के बाद प्रभास की कल की 2898 AD फिल्म रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म को भी सलार की तरह हॉलीवुड मूवी से बड़ी टक्कर मिल सकती है। सिर्फ टक्कर ही नहीं, प्रभास की फिल्म को थिएटर्स का भी लफड़ा हो रहा है। प्रभास की मूवी सलार जब थिएटर्स में रिलीज हुई थी तब उसे बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों ही फिल्मों से मुकाबला करना पड़ा था। सलार के रिलीज के समय ही बॉलीवुड फिल्म डंकी रिलीज हुई थी और फिल्म को डायरेक्ट किया था राजकुमार हिरानी ने। इसके अलावा दूसरी फिल्म जिसमें सलार का मुकाबला था वो थी हॉलीवुड की बिग बजट मूवी एक्वामैन एंड द लास्ट किंगडम। इस बार फिर प्रभास बिग बजट फिल्म के साथ बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देने वाले हैं। उनकी इस फिल्म का नाम है कल्कि 2898 AD। ये फिल्म बहुत जल्द रिलीज होने वाली है। ऐसे में बताया जा रहा है कि ये फिल्म हॉलीवुड की फिल्म से टकराने वाली है। देखिए, इस बात की जानकारी एक ट्विटर हैंडल गेट सिनेमा पर दी गई है। इसके अनुसार एक बार फिर प्रभास की इस फिल्म को बड़ा क्लैश झेलना पड़ेगा। इस बार फिल्म का मुकाबला प्लेनेट ऑफ द एप्स से होने जा रही है। इस क्लैश का बिजनेस पर क्या असर पड़ेगा ये तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन गेट सिनेमा का दावा है कि इस क्लैश के चलते प्रभास की फिल्म को आईमैक्स थिएटर की कम संख्या मिल सकती है। यानी कि रिलीज से पहले ही फिल्म को कम थिएटर वाला नुकसान झेलना पड़ सकता है और थिएटर्स कम मिलने का सीधा असर इसके कलेक्शन पर पड़ेगा। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि प्रभास इस क्लैश को अपनाते हैं या फिर कोई बीच का रास्ता निकालते हैं और अपनी फिल्म की रिलीज डेट को आगे खिसकाते हैं। खैर, आप बताइए, आप प्रभास की कल की 2898 AD और हॉलीवुड फिल्म प्लेनेट ऑफ द एप्स में किस फिल्म को देखने वाले हैं? बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यू, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।